आपने कई बार सुना होगा कि आदमी को प्रेजेंट मोमेंट में रहना चाहिए, वर्तमान में रहना चाहिए। आप कंफ्यूज भी कई बार हुए होंगे, मैं भी कई बार कंफ्यूज हुआ हूँ। मुझे समझ में नहीं आता था कि इस प्रेजेंट में रहने का मतलब क्या है। जब आदमी कहता है आपको प्रेजेंट में रहना चाहिए, अवॉइड करो पास्ट और फ्यूचर को, तो ये कहना क्या चाहता है? क्या है ये आखिर प्रेजेंट? हमारे यहाँ पर एक बड़ा अच्छा शब्द है जिसे हम बोलते हैं सत्संग। आदमी को सत्संग करना चाहिए। इंग्लिश का इक्विवेलेंट प्रेजेंट है। सत्संग करना चाहिए और प्रेजेंट में रहना चाहिए, ये दोनों अलग अलग बातें नहीं हैं, ये दोनों एक ही बातें हैं। अगर आपको सत्संग का मतलब समझ में आ गया तो आपको प्रेजेंट में रहने का मतलब भी समझ में आ जाएगा। अब सत्संग को समझते हैं पहले। ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सत्य और संग। यानी जो सत्य का संग करे उसे हम सत्संग कहते हैं, जो सत्य के संग रहे उसे हम सत्संग कहते हैं। आपको सत्संग करना चाहिए, सत्य के संग रहना चाहिए, तो आप सत्संग में हैं। ये जो टीवी पे सत्संग चलते हैं, टीवी पे जो कहानियाँ चलती हैं जिसे हम सत्संग कहते हैं, ये सत्संग नहीं है। अब सत्य क्या है? जब तक आपको ये नहीं पता कि सत्य क्या है, तब तक आप उसके संग कैसे रहोगे? तो वो सत्य आप हो, वो सत्य आप ही हो, और आप प्रेजेंट में हो। ना आप फ्यूचर में हो, ना आप पास्ट में हो, ना आप आगे हो, ना आप पीछे हो, आप अभी हो, राइट हेयर राइट नाउ। आप ही वो सत्य हो। तो अपने साथ रहने को सत्संग कहते हैं। और सेम प्रेजेंट, प्रेजेंट भी आप ही हो। जो प्रेजेंट में रहना है यानी अपने साथ रहना है। आपकी सांस भी आपके अलावा जो भी चीज़ आप तक पहुंचती है वो बासी हो चुकी होती है, पुरानी हो चुकी है। यहाँ तक आपकी सांस भी, जब तक आप अपनी विपस्सना में बोला जाता है अपनी सांस को ऑब्ज़र्व कीजिए, जब तक आप अपनी सांस को ऑब्ज़र्व करते हैं तब तक वो भी बदल चुकी होती है, वो भी बासी हो चुकी होती है। क्योंकि हम एक कंटिन्यूस चेंजिंग दुनिया के अंदर रहते हैं, कंटिन्यूस चेंजिंग वर्ल्ड में रहते हैं। ऐसा दुनिया जो हमेशा बदल रहा है। हम जिस धरती पर रहते हैं वो भी कंटिन्यूस घूम रही है, वो भी रुकी हुई नहीं है। तो ऐसा कभी होता है कि आप अपनी सांस को भी ध्यान लगा रहे हैं तो आपकी सांस भी आपके उतना नज़दीक नहीं है जितना नज़दीक आप खुद के हो। तो अपने साथ रहना सीखिए। वही सत्संग है, वही प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। थैंक यू।